आज की पवित्र सैबत में प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं कि हम पर उसकी दया कृपा और अनुग्रह बना रहे। इस समय हम अपना संदेश देने से पहले प्रभु के चरणों में आएंगे प्रार्थना के लिए। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए कि तूने हमें जीवितों की दुनिया में रखा है, तेरे पवित्र नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। होने दे प्यारे प्रभु यीशु, जो तेरा सेवक आज पवित्र वचन ईशाया की पुस्तक से बोलता है, होने दे प्रभु कि तेरा पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई, उसे शक्ति दे, ताकत दे, हिम्मत और बल दे। प्रभु जी, सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें बरकत देना प्रभु। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस समय हम इस पवित्र सैबत में प्रभु की जय जयकार करते हुए, तारीफ करते हुए, उसके चरणों में पाए जाते हैं। और आज का हमारा जो विषय है, जो आज हम पवित्र वचन में आएंगे, वो पाया जाता है ईशाया की पुस्तक से। आज आपके सामने मैं पवित्र बाइबल से ईशाया की पुस्तक से कुछ टिप्पणियां करना मांगता हूं। ईशाया की पुस्तक आज से करीब 2750 वर्ष पहले ईशाया नबी के द्वारा लिखी गई, जब यहोवा ने, परमेश्वर ने उसे प्रेरित किया और उसने आने वाली बातों के बारे में उसे बताया। जब हम ईशाया की पुस्तक में आते हैं तो ईशाया की पुस्तक में बहुत सी भविष्यवाणियां पाई जाती हैं, बहुत से वायदे पाए जाते हैं, अंत समय के निशानात पाए जाते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होंगी, कैसे कैसे घटनाएं होंगी, बहुत ही डिटेल में ईशाया की बुक उनका अध्ययन करती है। ईशाया नबी ने प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में बताया कि एक कुआरी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल होगा, प्रभु हमारे साथ। ईशाया की पुस्तक में हम पाते हैं 53वां अध्याय, जहां प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में जो है पूरा डिटेल में बताया गया है। और जैसा जैसा ईशाया नबी ने बताया, वैसा वैसा एक एक बात पूरी हुई। ईशाया नबी ने आशा के संदेश दिए हैं। ईशाया नबी ने राज्यों के उत्थान और पतन के बारे में बताया, और जैसा जैसा बताया वैसे वैसे इस तरह से होता रहा। ईशाया नबी की पुस्तक में हम पाते हैं कई जगह पर जो वो कहता है कि मैं असमतल रास्तों को समतल करूंगा, मैं लोहे के किवाड़ों को तोड़ दूंगा, मैं रास्ते तैयार करूंगा। ये आज के समय के लिए वर्णन पाया जाता है। ईशाया की पुस्तक में अंतिम समय में जो आसमान पर, पृथ्वी पर, आकाश में जो चिन्ह होंगे, जलवायु परिवर्तन, किस किस तरह की घटनाएं होंगी, उन सब के बारे में वर्णन किया है।
सहबत के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, झूठे नबियों के बारे में, समस्याओं के बारे में। आज मैंने आपके सामने इशाया की पुस्तक से इस समय में जो हालात संसार के चल रहे हैं, चारों तरफ समस्याओं का, कठिनाइयों का वातावरण है, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं। हम जानते हैं कि करीब 3.5 महीने पहले 25 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा करी गई इस महामारी में, और हम देखा हमने कि रात को यह घोषणा होती है और जब मैं सुबह उठा तो मेरे पास एक व्यक्ति का मैसेज आया मोबाइल पर कि पास्टर प्लीज ओपन द बुक ऑफ इशाया एंड रीड चैप्टर 26। उसने लिखा था उसके अंदर कि हे लोगो, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो। यह मैसेज उस जवान का था जिसके साथ मैंने करीब 22 वर्ष पहले प्रीचिंग का कार्य किया था, और वो उस समय एक बहुत ही छोटा सा पौधा था। 2 साल लगे हुए उस पौधे को हुए थे, लेकिन उसे कैसे हमारी याद आई, और उसने एक रिटायरी को ये शब्द लिखे। मैं बहुत सीरियसली मैंने उसको लिया और मैं इशाया की किताब पुस्तक में बहुत गहराई से चला गया प्रार्थनाओं में। हम जानते हैं कि ये मैसेज बहुत हजारों जगह वायरल हुआ होगा और हजारों, लाखों, करोड़ों लोग प्रार्थनाओं में आए होंगे। उन्होंने अपने घरों के दरवाजों को बंद किया होगा और रात दिन प्रार्थनाओं में लग गए होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आइए हम, जबकि ये 26वें अध्याय की 20वीं आयत है, लेकिन आज का संदेश इसी अगली आयत से मैं शुरू करने जा रहा हूं, 27वां अध्याय, जो मैं इस समय आपका ध्यान आकर्षित करना मांगता हूं वो है इस 27वां अध्याय और 1 आयत से 6 आयत तक, 6 आयतें हैं। बीच बीच में से पढ़ रहा हूं। उस समय एक सुंदर दाग की बारी होगी, तुम उसका यश गाना, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूं और मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसे हानि पहुंचाए। ऐसे कठिन वातावरण में, जबकि हम सुबह को जब न्यूज खोलते हैं तो हम समस्याएं विपत्तियां, शाम तक कहीं महामारियों के बारे में है, केसेस इतने बढ़ रहे हैं, इतने डेथ हो रही है, कहीं पर अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं बाढ़ हो रही है, इस तरह की घटनाएं सुबह से शाम तक न्यूज में चल रही हैं। जो इस समय यह वचन पड़ा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं इस दाखबारी की रक्षा करता रहूंगा। आज जहां पर हम खड़े हैं, जहां प्रभु का कलाम दे रहे हैं, ये प्रभु की दाखबारी है जो उसने करीब 100 साल पहले रुड़की में लगाई थी, जो आज एक कॉलेज के रूप में है, चर्च है। जब हम इस तरह के परमेश्वर के वायदे देखते हैं और यह संदेश घरों में जा रहा है और घरों में विपत्तियां भी हैं, समस्याएं भी हैं, बीमारी भी है, दुख भी है, कभी कभी बड़ा कठिन होता है
इन शब्दों को, इन वायदों को अपने दिलों में उतारना जो विपत्ति में है, जिसका एक पैर घर पर है, दूसरा हॉस्पिटल में है, जो अपने रिश्तेदारों की तकलीफों से परेशान है। आज जो ये संदेश हम दे रहे हैं, जो ईशाया नबी कह रहा है कि उस समय एक दाग की बारी होगी, मैं इसकी रक्षा करता रहूंगा, मैं रात दिन सींचता रहूंगा। आइए इससे पहले कि हम इसकी बाकी और आयतों को देखें, हम ईशाया नबी के जो वायदे उसने किए हैं, जो वायदे उसने प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए किए, वो पूरे हुए। जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, जो वायदा उसने किया कि उस समय एक दाग की बारी होगी। देखिए, जिस समय 2750 वर्ष पहले ईशाया नबी वर्णन कर रहा है दाग की बारी, जहां वो प्रचार कर रहा है, ये दाग की बारी इज़राइल देश में थी। और परमेश्वर 26वें अध्याय में 6 आयत में कह रहा है कि भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इज़राइल फूले फलेगा और उसके फलों से सारा जगत भर जाएगा। जिस समय ये भविष्यवाणी की जा रही होगी, ये प्रचार किया जा रहा होगा, भाइयों जरा सोच करके देखना कि सुनने वालों को कैसा लगा होगा, क्योंकि उस समय प्रभु के लोग इज़राइल तक सीमित थे। ये बात 750 BC की है, लेकिन ईशाया नबी कह रहा है कि उस समय याकूब जड़ पकड़ेगा, दाख बारियां हो जाएंगी। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद 100 AD में प्रभु के लोग चितर बितर हो गए। प्रभु की कौम इज़राइल से, एक राज्य से दूसरे राज्य होती हुई नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट इस्टेब्लिश हो गई। पूरे यूरोपियन कंट्रीज में 1 AD से लेकर के 1500 AD तक ये चलता रहा। आज हजारों बारियां हैं, जिसको ईशाया नबी कह रहा है कि इज़राइल जड़ पकड़ेगा और उसके फलों से सारा संसार भर जाएगा। ये दाखबारियां 1500 तक केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहीं, लेकिन 1516-17 में ये दाखबारी यूरोप से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट और मिडिल अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जहां लोग समुद्री यात्राओं से उन दिनों के संकट में कैसे पहुंचे। लेकिन उनके लिए भी ईशाया नबी ने बोला है, 43वीं आयत दूसरा अध्याय, जहां पर बताया जा रहा है ईशाया की पुस्तक 43वां अध्याय 43, किस तरह से प्रभु अपनी दाखबारी को जगह जगह ले गया। इससे पहले कि मैं उन वायदों पे आऊं, मैं आपको यह बताना मांगता हूं कि परमेश्वर ने जो वायदे ईशाया नबी से किए वो पूरे हुए हैं। यहां लिखा हुआ है 43 में दूसरी आयत, जब तू जल में से होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तो तुझे डुबाना पहेंगी, और जब तू आग में चले तो आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला पाएगी। ये सारी भविष्यवाणी 1500 AD में, 100 AD में, 1700 में, ये सब पूरी हुई हैं। हजारों हजार किलोमीटर की समुद्री यात्राएं करके लोग एक देश से दूसरे देश में जाते रहे। ईशाया नबी कह रहा है कि लहरें तुम्हें डुबा ना पाएंगी। किस तरह की यात्रा से गए और वहां पर नई नई दाखबारियां लगी। ये दाखबारी क्या है? ये समूह है जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बने हुए खरीदे हुओं का समूह है, प्रभु यीशु की कौम है, जिसे ईशाया नबी ने कहा है
कि इज़राइल जल पकड़ेगा और उसके फलों से सारा संसार भर जाएगा। प्रभु उन्हें ले गया आग की लपटें। जब वो निकले थे आगे भी आग थी, पीछे भी आग थी, लेकिन प्रभु उन्हें सुरक्षित ले गया। प्रभु अपनी दाखमारी की रक्षा करता है, जैसे अभी पढ़ा गया था, मैं उसकी रक्षा करता हूं, मैं उसको सींचता रहूंगा। उस समय, ये आज के समय के लिए वचन है, प्रभु अपनी दाख की बारी को मिस्र देश से निकाल करके लाया, और जब वो समुद्र के किनारे आए, आगे भी मौत और पीछे भी मौत। बताया जाता है कि प्रभु ने, अगर हम इसको आए भजन संहिता और उसके 74वें अध्याय में 13वीं आयत और 14वीं आयत, तूने तो अपनी शक्ति से समुद्र को दो भागों में कर दिया, तूने जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया, तूने लिबियातानों के सर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जानवरों को खिला दिए। ये देखिए परमेश्वर किस तरह से निकाल करके लाया, कनान देश में बसा दिया, समुद्र दो भागों में बट गया, धरती दिखाई देने लगी, लेकिन वहां पर जो उसके अंदर जानवर थे वो इस तरह के थे जिन्हें ना कल मनुष्य नष्ट कर सकता था ना आज कर सकता है। लेकिन उस समय प्रभु ने यह करके दिखाया। ये प्रभु के वचन आपके सामने पढ़े जा रहे हैं। प्रभु ने उनके सरों को फोड़ दिया। ड्रैगन इब्लीस को रिप्रेजेंट करते हैं, सैटन डेविल, और उसी को 27वां अध्याय जो मैंने आज आपके सामने लिया है उसमें वो यही कह रहा है कि उस समय यहोवा बड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिबियातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। ये विरोधी शक्तियां आज के लिए, उस समय एक दाग की बारी होगी। आज जिस जगह हम रह रहे हैं ये दाग की बारियां हैं, ये विश्वासियों का समूह है। ये दाग की बारियां आज हजारों में नहीं है, ये लाखों करोड़ों में पूरे वर्ल्ड के अंदर पाई जाती हैं। उन सब के लिए इशाया नबी का ये संदेश है कि मैं इसको सींचता रहूंगा, मैं इसकी रक्षा करूं। हमारे मनों में भ्रम न पैदा हो, क्योंकि आज अगर हम जिएंगे तो केवल विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के वचनों पे विश्वास। यहां पर मैं एक छोटा सा उदाहरण एक बागवान का देना मांगता हूं कि यहां जब हम इस समय जून और जुलाई के महीने में पाए जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये आमों का सीजन है। जहां बाग से ये आम आ रहे हैं उन बागों में बड़ी चहल पहल है। हम देखते हैं कि बाग के रखवाले अपनी अपनी झोंपड़ी बना करके वहां रह रहे हैं, उनके परिवार में जो भी हैं वो भी रात दिन बाग की सेवा कर रहे हैं, उनके जानवर भी वहां बंधे हुए हैं, उन्हें खाना पीने का सामान भी वहीं पर है, और हम देखते हैं कि वहां पर व्यापारी भी पहुंच रहे हैं। बाग के बाहर हम देखते हैं तांगे खड़े हैं, बैलगाड़ी खड़ी है, ट्रक खड़ा है, माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, चहल पहल बागों के अंदर। लेकिन प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है, ये चहल पहल फरवरी में शुरू होकर के मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त जुलाई तक जाती है, और जब आमों का सीजन खत्म हो जाता है रखवाला अपनी झोंपड़ी को तोड़ करके चला जाता है, अपने जानवरों को लेकर चला जाता है, परिवार को लेकर के चला जाता है, और वहां पर व्यापारी भी आना बंद कर देते हैं। जब सब कुछ वहां पर खाली दिखाई देने लगता है तो यहां पर प्रकृति हमको बहुत बड़ा लेसन देने जा रही है कि बाग का जो मालिक है
जब कोई नहीं आता तो बाग का मालिक एक दिन भी अपने बाग को खाली नहीं छोड़ता। वो अगले दिन से आना शुरू कर देता है, वो जानवरों से रक्षा के लिए लाठी डंडे भी लाता है, वो भेड़ियों से रक्षा करने के लिए औजार भी लाता है, और वो साथ में बड़ा आरा ना रख के छोटी आरी भी रखता है, बड़ी कुल्हाड़ी ना रख करके छोटा सा चापड़ भी रखता है। और जब बाघ सुनसान हो जाता है तो बाघ में आकर के एक एक पेड़ की स्टडी करता है, और वो जो कृषि के वैज्ञानिक हैं उनको भी बुलाता है और दिखाता है कि जिस पेड़ ने फल कम दिया है उसके क्या कारण है। वो दवाइयों का छिड़काव करता है, वो खाद डालता है, कोई जंगली जानवर दिखाई देता है तो उस पर अटैक करता है बाग का मालिक, और वो हर पेड़ को सीरियसली वॉच करता है। अगर उसमें कोई सूखी डालियां होती हैं तो बड़े प्यार से उस छोटी आरी को वो काटता भी है, और इतने प्यार से काटता है कि वो हरी डाली को नुकसान ना हो। आरी भी चलाता है, देखभाल करता है। ये कार्यक्रम उसका 6 महीने तक चलता है, इस आशा में कि अगले साल इसके ऊपर फिर फल आएंगे, क्योंकि ये उसकी रोजी और रोटी है, ये उसका जीने का एक सहारा है, उसकी जीविका उसी से चलती है, बाग के मालिक की। बाकी सब चले गए। इसी तरह से ये देखिए इशाया 27वां अध्याय, मैं उसकी रक्षा करता रहूंगा, मैं रात दिन उसको सींचता रहूंगा। ये परमेश्वर का वायदा जो उसने करा है, आज हमारी सारे परिवारों के लिए संदेश है, उन दाग की बारियों के लिए संदेश है जो हमारी जगह जगह पाई जाती हैं, जहां कॉलेज चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, चर्चेस चल रहे हैं। संदेश है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, मेरे मन में जलजलाहट नहीं है। देखिए ये परमेश्वर का वायदा है, हम इसे बड़ी सीरियसली लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इशाया नबी के सारे वचन पूरा होने के लिए हैं, बहुत सी भविष्यवाणियां बहुत सुंदर लिखा है, देखिए, ताकि हमारे मनों में शक ना आए कि वेयर इज गॉड, आज परमेश्वर कहाँ है, इस संकट के समय में कहाँ है। हमारे मनों में किसी तरह का शक ना आए, जो परमेश्वर कह रहा है, मैं सींचता रहूंगा, देखभाल करूंगा, विरोधियों से रक्षा करूंगा। पहली आयत में लिबियातोन अजगर, भ्रम ना आए उसके वायदे, क्योंकि बड़ा सुंदर लिखा हुआ है इशाया की पुस्तक 55वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। किस तरह से देखिए इशाया नबी आज हमें संतावना दे रहा है, हिम्मत दे रहा है। अगर उसने कहा है कि मैं सींचता रहूंगा, मैं रात दिन इसकी रक्षा करूंगा, जो भी समस्याएं आ रही हैं मैं देखूंगा, लेकिन इशाया नबी हमें हिम्मत दे रहा है कि जिस तरह से वर्षा गिरती है वापस नहीं जाती, धरती पे गिरती है, बीज बोया जाता है और उसके बाद फसल उगती है और सारा संसार उसे फसल को खाता है। उसी तरह से 11वीं आयत में लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा
जो मेरे मुख से निकलता है, जो 2750 साल पहले ईशाया के मुंह से निकला है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो सफल करेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है। उस वचन को अगर वो कह रहा है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, ऐसा ना हो कि कोई इसे हानि पहुंचाए, मैं सींचता रहूंगा। बाग के रखवाले चले जाते हैं, लेकिन बाग का मालिक जो है वो रोजाना 6 महीने तक बराबर आता है, पेड़ों की सेवा करता है और हर पेड़ को बड़ी सीरियसली तरह देखता है कि इसमें फल क्यों नहीं आया, इस साल इसमें कम क्यों आया। वैज्ञानिकों को दिखाता है, खाद देता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो वचन मेरे द्वारा निकलता है वो पूरा होकर के लौटेगा। इन वचनों पर बड़ी गहनता के साथ हम ध्यान दें। और कह रहा है कि यदि कोई भांति भांति के कटीले पेड़ मुझसे लड़ने को खड़े करता है तो मैं पांव बढ़ाकर पूरी तरह से भस्म कर देता हूं। जैसा अभी बताया, परमेश्वर की शक्ति ने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। पानी तो हट गया, लेकिन उसके अंदर के जीव जंतु, जो घटना करीब 3500 साल पहले घटी है, उसने उनके सरों को फोड़ दिया। और यहां भी वो 27वें अध्याय में कह रहा है कि उस समय दाग की बारी होगी। उस समय, आने वाले समय में, अंतिम समय के लिए यह संदेश है जो लोग अंतिम दिनों में रह रहे हैं। और ये वास्तव में सत्य है कि हम अंतिम दिनों के सफर में चल रहे हैं। या वे मेरे साथ मेल करने को मेरी शरण लें, वे मेरे साथ मेल कर लें। प्रभु हमें बुला रहा है, क्योंकि आज मनुष्य केवल विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, परमेश्वर पर भरोसा करके जीवित रहेगा। जो समस्याएं, घटनाएं, विपत्तियां आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक आ रही हैं, हमारे पास उनसे निकलने की शक्ति आज नहीं है। इस बीमारी से केवल बचाएगा तो प्रभु का अनुग्रह। इसलिए वो कह रहा है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। अंतिम में मैं यहां पर आपके सामने एक मिसिस ईजी वाइट का कोटेशन प्रेजेंट करना मांगता हूं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर प्रोटेक्शन। किस तरह से जो भविष्य में आने वाली चीजें हैं उससे कैसे बचा जाए, जो उन्होंने रिव्यू एंड हेरल्ड नामक पत्रिका में नवंबर 19, 1908, करीब 112 साल पहले आज के मसीहों के लिए लिखा है। देखिए किस तरह से पाया जाता है, इंग्लिश में है ये और मैं इसका हिंदी में बताऊंगा। When tempted sin, let us remember that Jesus is pleading for us in the heavenly sanctuary। जब ये पाप की परीक्षा का समय हो, प्रभु यीशु मसीह, याद रखिए कि महापवित्र स्थान में हमारे लिए निवेदन कर रहा है। आज हम 6वीं सील के समय में रह रहे हैं, अंत में इसके बाद 7वीं शुरू होगी, जहां पर यूहन्ना देख रहा है प्रभु यीशु मसीह को, खुले आसमान देख रहा है, वाचा का संदूक वहां देख रहा है 7वीं सील में। अभी हम 6वीं सील के अंत में चल रहे हैं, वहां पर वो महापवित्र स्थान में प्लीट कर रहा है, हमारे लिए निवेदन कर रहा है। और ये पाया जाता है हिब्रू की किताब 4वां अध्याय उसकी 14वीं और 15वीं आयत में, हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो निर्बलताओं में हमारी सहायता ना कर सके,
जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा गया था, 27वां अध्याय ईशाया, मैं इस दाखबारी की रक्षा करूंगा, मैं इसे सींचता रहूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसके पत्ते मुरझा जाएं। इब्रानियों की किताब बोल रही है कि हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो निर्बलताओं में हमारी सहायता ना कर सके। आइए हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आएं कि हम पर उसकी दया, कृपा और अनुग्रह बना रहे। आगे लिखा है, ही टेक्स आवर नेम्स ऑन हिज लिप्स एंड प्रेजेंट देम टू हिज फादर सेइंग, आई हैव ग्रेवन देम अपॉन द पाम ऑफ माई हैंड, आई नो देम बाई नेम। बाई नेम यहां लिखा हुआ है और ईशाया की पुस्तक में भी वायदा किया गया है 49वें अध्याय की 16वीं आयत में कि एक माता अपने दूध पीने वाले बच्चे को दूध पिलाना भूल तो सकती है, लेकिन मैं यहोवा नहीं भूलता, क्योंकि मैंने उनका नाम अपनी हथेली पर लिख लिया है। एंड कमांड गोज फॉर टू द एंजल टू प्रोटेक्ट देम, और ये हुक्म जो है फरिश्तों के पास है, जो छठी सील में कह रहा है प्रधान स्वर्गदूत कि चारों फरिश्तों को रोके रहो, हवा को ना चलने दो जब तक हम प्रभु के लोगों पर उनके माथे पर मोहर ना लगा दें। बड़े सुंदर शब्दों में कमांड गोज फोर्थ टू द एंजल टू प्रोटेक्ट देम, देन इन द डेज ऑफ फियर्स ट्रायल ही विल से, कम माई पीपल एंटर दाउ इन टू दाई चैम्बर, शट द डोर अबाउट दी, हाइड दाई सेल्फ एज इट वर फॉर अ लिटिल टाइम। जहां से ये संदेश शुरू किया गया था, अपनी कोठरी को खो, दरवाजे बंद करो, प्रार्थना करो। यहां पर इंग्लिश में वर्ड आया है चैम्बर। चैम्बर वो स्थान, एक वीआईपी स्थान कहलाता है, जहां पर की राज्यों की, देश की संसदें चलती हैं, जहां पर मीटिंग चलती है, कॉन्फ्रेंस चलती है। हम यहां पर चैम्बर शब्द है, हम चैम्बर में आ जाएं, जहां पर की प्रभु यीशु मसीह आज महापवित्र स्थान में सेविकाई कर रहा है कि हम बचाए जाएं, हम पर उसका अनुग्रह हो, हम प्रार्थना में आ जाएं, इससे पहले कि उसका क्रोध शांत हो। वाइल द इंडिग्नेशन बी ओवर पास, जब तक उसका क्रोध शांत ना। वॉट आर द चैम्बर इन विच, मिसिस ईजी व्हाइट कह रही हैं कि ये चैम्बर क्या हैं? वॉट आर द चैम्बर्स इन विच दे आर टू हाइड, दे आर द प्रोटेक्शन ऑफ क्राइस्ट एंड होली एंजल। ये चैम्बर, ये कोठरी जो हिंदी की बाइबल में लिखा है, जहां से हमने शुरू किया था, अपने अपने दरवाजों को, कोठरी को बंद करो। ये चैम्बर है प्रोटेक्शन ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाओ, पवित्र होली एंजल्स, पवित्र फरिश्तों के द्वारा बचाओ, वही हमारी रक्षा करे। आज के समय में अगर मनुष्य जिएगा तो विश्वास के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी रक्षा करेगा, हमें बचाएगा, हमें संभालेगा। प्रभु आप सबको बहुत आज से बरकत दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता, धन्यवादी हैं इन सुंदर वचनों के लिए जो ईशाया नबी की किताब से पढ़े गए। होने दे प्रभु तेरी आत्मा में ये वचन हमारे परिवारों में पहुंचे, तेरे सेवक के हृदय में, उसके परिवारों में, कलीसियाओं में पहुंचे, उन सबको बरकत देना, आत्मा की अगुवाई में वो इसे पढ़ सकें और प्रभु वो तुझ में जीवित रहे, क्योंकि आज के समय में तू संभालेगा, तू बरकत देगा।
ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन।